स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आरती की रसोई में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग सोयाबीन आलू का सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इतना सारा सोयाबीन और चार आलू निकाल लिया है। तो अब पहले सोयाबीन को और आलू को हम लोग बॉईल कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस पर चलती हूँ। तो चलिए पहले आलू एंड सोयाबीन को हम लोग बॉईल कर लेते हैं। तो जब तक हमारा आलू एंड सोयाबीन बॉयल हो रहा है, तब तक मैं आप लोग को मसाला दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या डालती हूँ उसमें। तो मैंने दो प्याज लिया है, इतना एक बड़ा और एक छोटा प्याज लिया है, ये भी मैं कट कर लूँगी। और मसाले में मैं थोड़ा सा सूखा लाल मिर्च, थोड़ा सा इतना सा धनिया, इतना जीरा, लहसुन एंड थोड़ा सा अदरक। तो ये इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो इसका पहले पेस्ट हम लोग बना लेते हैं, फिर मैंने इतना प्याज भी रखा है। तो चलिए पहले हम लोग मसाला का तैयारी कर लेते हैं, तब तक हमारा आलू एंड सोयाबीन बॉयल हो रहा है। तो हमारा सोयाबीन बॉयल हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने बॉयल करके अच्छे से धो भी लिया है इसे। आलू को भी मैंने बॉयल करके अच्छे से बारीक कट कर लिया है, मतलब पीस में, ऐसे पीस में कट कर लिया है छोटा छोटा। और प्याज भी मैंने कट कर लिया है इतना। और हम लोग प्याज के साथ तेज पत्ता का भी फोरन डालेंगे। तो मैंने दो तेज पत्ता निकाला है और दो मैंने ऐसे हरी मिर्च भी ले लिया है। थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे, थोड़ा तीखा होगा। अगर आप लोग को नहीं डालना होगा तो आप लोग नहीं डाल सकते हैं। तो मैं ये सब आप लोग देख सकते हैं, इसका सब मैंने प्रिपरेशन कर लिया है। प्याज, तेज पत्ता, आलू भी मैंने कट कर लिया है, सोयाबीन में भी मैंने धो लिया है। तो चलिए अब मैं मसाले भी तैयार, मसाले का पेस्ट भी रेडी कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने मसाले का पेस्ट भी रेडी कर लिया है। जो मैं आप लोग को दिखाई थी उतना ही मैंने मसाले पीस लिए हैं मिक्सर ग्राइंडर में। तो हमारा मसाला भी रेडी है और हम उसमें एक टमाटर भी डालेंगे। तो मैंने टमाटर को भी इतना बारीक कट कर लिया, एक बड़ा टमाटर को मैंने बारीक कट कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग गैस ऑन करते हैं और अपना सब्जी बनाने का तैयारी करते हैं। तो हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें 2 मिनट के लिए सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सोयाबीन पहले डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने सोयाबीन को डाल लिया है, अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम हल्दी और नमक भी डालेंगे, थोड़ा सा, ताकि अच्छे से इसमें हल्दी और नमक अंदर इसके जा सके। हल्दी यहाँ पर मैंने डाला, अब थोड़ा सा इसमें हम लोग नमक भी डालेंगे और अब हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हमारी सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो चलिए अब हम लोग इसे निकाल देते हैं। तो हमारा सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम लोग थोड़ा आलू को भी इसी प्रकार से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, फिर हम मसाले डालकर उसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आलू फ्राई हो रहा है, बस 2 मिनट के लिए आलू को भी मैं फ्राई कर लूंगी, थोड़ा सा हल्दी नमक डालकर। उसके बाद आलू भी मैं निकाल लूंगी फ्राई करके, उसके बाद हम लोग मसाला डालेंगे। तो हमारी आलू फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम लोग फोरन का तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है, अब हम लोग इसमें तेज पत्ता एंड मिर्चा का फोरन डालेंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे। तो चलिए पहले डाल लेते हैं। मैंने तेज पत्ता यहाँ पर डाल दिया, फिर जो मैं हरे मिर्च कट करके रखी थी वो डाल दूंगी। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम लोग इसमें प्याज को डालेंगे। तो अब हम लोग प्याज डाल रहे हैं, अब प्याज हम लोग को अच्छे से जब ब्राउन हो जाएगा फिर हम लोग इसमें मसाले को डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें मसाले को डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर मसाले को डाल दिया है, अब हम इसमें बारीक कट किया हुआ टमाटर को भी मिक्स कर देंगे, ताकि टमाटर अच्छे से मसाले में गल सके।
और मसाले का टेस्ट अच्छे से आ सके। तो चलिए अब हम अच्छे से मसाले को भी फ्राई कर लेते हैं और अभी हम इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं मसाले में। आप लोग अपने स्वाद अनुसार नमक को मिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अच्छे से मसाले को फ्राई कर लेते हैं। जब तक मसाला पूरी अच्छी तरह से सूख ना जाए, तेल ना छोड़ दे, तब तक हम मसाले को फ्राई करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम इस मसाले में थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छा इसका कलर एंड लाइट आ सके। तो हमारा मसाला एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं एकदम सूख गया है एंड कलर एंड लाइट भी आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर रेड हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें आलू एंड सोयाबीन को डालकर अच्छे से फिर से फ्राई कर लेते हैं। इसे हम 5 मिनट अच्छे से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर हम जितना ग्रेवी डालना होगा अपने अनुसार ग्रेवी को डालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसे अच्छे से 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अच्छे से मैंने भून लिया इसे। अब हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। आप लोग को जितना मन उतना डाल लीजिएगा ग्रेवी, लेकिन मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, ज़्यादा पतला नहीं करूंगी मैं। बस आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। आप लोग अपने हिसाब से ग्रेवी डाल लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से थोड़ा समय और डाल देती हूँ। बस हो गया, अब मैं नहीं डालूंगी, हो गया हमारा ग्रेवी। तो अब हम इसे और 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं और इसमें हम लोग थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर ली हूँ गरम मसाला, आप लोग देख सकते हैं गोल्डी का गरम मसाला मैं डाल देती हूँ अभी। तो चलिए उसके बाद से हम लोग ढक देते हैं 5 मिनट, उसके बाद से देखते हैं हमारी सब्जी बनकर कैसी हुई है। चलिए हम देखते हैं कि हमारी सब्जी कैसी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर ही इसका कलर एंड लाइट लग रहा है, बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है, देखिए आप लोग। तो बस हमारी सब्जी अब होने पर आ ही गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे। 2 मिनट हम और थोड़ा सही से कर लेते हैं। तो हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर रेडी है, हम गैस बंद कर चुके हैं। तो आई होप आप लोग को यह रेसिपी पसंद आई हो। अब हम इसे अच्छे से ढक देते हैं। आई होप आप लोगों को यह रेसिपी पसंद आई हो। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, आप लोग अपने घर पर ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आप सबके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी बनाकर वीडियो डालती रहूँगी। थैंक यू, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।